एवरीवन, मैं हूँ काव्या। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। करना पूजा समाप्त हो चुका है, अब उसके बाद बारी आ गई है शाम के अर्थ की। और उसके लिए हम आ चुके हैं, मेरे घर के जस्ट सामने एक मैन मेड पोखरा बनाया गया है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर अर्थ देते हैं। तो शाम के 4 बजते ही हम यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। बहुत सारे लोग अपने छत पे भी करते हैं, बहुत सारे लोग नदी में जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से नदी में जाना बिल्कुल मना है। तो घर के सामने ही अगर आपके पास जगह है तो वहाँ पर इस तरीके से गड्ढा नुमा खोद दिया जाता है और उसमें गंगा जल और पानी मिला के भर के इस तरीके से पोखरा तैयार कर लेते हैं। तो अर्घ का समय हो गया है और हम सब अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी माँ के आंचल पर सिंदूर, अक्षत, फूलमाला ये सब छिड़क रही हूँ। इसके बाद वो जो है एक एक करके सूप का अर्घ देंगी। वो यहाँ पर 5 सूपों का अर्घ दे रही हैं, तो हम जो है एक एक करके सूप उनके आंचल में, मतलब उनके हाथ पे डाल देंगे और वो फिर एक राउंड लेंगी और फिर उसके बाद वो पानी में सूप को डिप करके वो जो है अर्घ को पूरा करेंगी। सबसे पहले हम अर्घ देने से पहले इस तरीके से सिंदूर लगा लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से सिंदूर उनको लगा दिया है जो कि इसको जुड़वा मांग कहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इस तरीके से वो सूप ले लेंगे जिसमें सारे फल हैं, ठेकुआ है, अर्थ का सारा सामान है। और फिर वो इस तरीके से एक राउंड लेंगी। राउंड लेने के बाद सूप को जो है वो पानी में ऐसे डिप कर देंगी और ये भगवान को समर्पित हो जाता है, सूर्य भगवान को समर्पित हो जाता है। शाम के समय हम ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इसी तरीके से सुबह हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। तो एक एक फिर वहाँ बैठेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। जब तक शाम बिल्कुल नहीं ढल जाएगा तब तक घर नहीं जाएंगे। एक एक करके सारे फैमिली मेंबर छठी माई का आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे और शाम ढलते ही हम घर को चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही मनोरम दृश्य है, सभी लोग पूजा पाठ में लीन हैं, सबने अपना अर्थ दे दिया हुआ है और शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को है। तो भाई भी अर्ध का पूरा सामान अपने सर पे ले लिया है और हम घर की ओर चले जाएंगे। बस कुछ ही दूर पे हमारा घर है और इसके साथ ही हम मॉर्निंग के अर्ध की तैयारी करेंगे। पूरी रात लगभग कोई सोता नहीं है, फिर हम 2-3 बजे से जग जाएंगे। उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ध की तैयारी करेंगे। मॉर्निंग हो चुका है और फिर से हम अर्ध देने की ओर जा रहे हैं। मॉम जो है बिल्कुल रेडी हैं अपने पूजा पाठ के सामान के साथ। आप देख सकते हैं बिल्कुल 4:30-5:15 का समय हो रहा है, ये अंधेरा है और हम जा रहे हैं अपने घाट की तरफ, पोखरे की तरफ, नदी की तरफ, जो भी कह लीजिए, जो मैनमेड है, जो लोगों ने मिल के बनाया है। तो ये देखिए काफ़ी अंधेरा है और मॉम सबसे पहले चली गई हैं, उसके बाद मैं उनके पीछे थी और आ चुकी हूँ मैं। काफ़ी अंधेरा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जैसे ही सूर्य उगेगा मॉम जो है पानी में उतर जाएंगी और फिर अर्घ देंगी भगवान को। सबने अपने अपने सूप पे दीप प्रज्वलित कर लिया है, अगरबत्ती जला ली है। इस तरीके का ये छठा बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, भक्ति से भरा हुआ दृश्य है, सबका मन बिल्कुल साफ है, सब सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर गाना भी गाते हैं छठ माई का। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है भगवान के सूर्य उदय का इंतज़ार कर रहे हैं और सूर्य उदय हो चुका है। मॉम पानी में चली गई हैं और फिर वही सेम प्रोसीजर अपनाते हुए जैसे कि हम लोगों ने शाम को किया था, आंचल पे ऐपन लगाना, सिंदूर लगाना, सिंदूर फिर फूल अक्षत डाल के वो सारे इस अर्ध को एक एक करके भगवान को समर्पित करेंगी। और इस बार हम अर्ध उन्हें दिलाएंगे दूध और पानी से मिला हुआ एक मिश्रण तैयार होता है, उससे सारे फैमिली मेंबर एक एक करके अर्ध देंगे। पर्सनली मुझे छठ पूजा बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी माँ जो है छठ पूजा करें और
इस बार वो छठ पूजा कर रही हैं। बहुत ही मन्नतों वाला त्यौहार लगता है मुझे, बहुत ही साफ मन जो करता है वो बहुत ही साफ मन रखता है। बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, बहुत ढेर सारा काम भी होता है इसमें। तो सोच, अगर इंसान सोच ले कि वो अकेला रह के छठ पूजा कर ले तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। और अर्ध का समय आ गया है, सबने एक एक करके अर्ध दे दिया है, मेरी बारी आई है, मैं भी अर्ध दे रही हूँ। इस तरीके सारे फैमिली मेम्बर जो है अर्ध दे देंगे, और जितने सूप है उतनी बार माँ में क्राउन लेंगी, और एक एक करके सारे लोग अर्ध दे चुके हैं। चीकू भी यहाँ फुल मस्ती में है, और जिस तरीके से मैंने मॉम को सिंदूर किया था अब मॉम मुझे भी सिंदूर करेंगी। ये एक तरीके का आशीर्वाद है सुहागनों के लिए, तो उनके हाथ से सिंदूर लग जाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो वो मुझे सिंदूर लगाएंगी, मुझे आशीर्वाद भी देंगी, और ऑब्वियसली मुझे ये आशीर्वाद चाहिए मेरे परिवार की खुशहाली के लिए, मेरी खुशहाली के लिए। तो इस आशीर्वाद को मैं कहीं जाने नहीं दूँगी। और देखिए मैं बहुत खूबसूरत भी लग रही हूँ, मुझे ये सिंदूर करना बहुत पसंद भी है। तो इस तरीके से सभी फैमिली मेम्बर जो है आशीर्वाद लेंगे, जो सुहागन है उनको इस तरीके का सिंदूर, मतलब जुड़वा मांग का सिंदूर होगा, और जो सुहागन नहीं उनको बस एक टीका, सिंदूर का टीका हो जाएगा। बहुत ही कठिन त्यौहार है ये, जो करता है उसके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन छठी माइयाँ हमेशा उन्हें शक्ति देती हैं, हिम्मत देती हैं ये कठिन सा व्रत करने के लिए। तो मॉम जो है ये व्रत कर चुकी हैं, अब धीरे धीरे ये व्रत समाप्त होने को है, फिर उसके बाद वो सबको टीका करेंगी। चीकू को भी टीका कर रही हैं वो, चीकू टीका लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रयास और किया जाएगा ताकि चीकू को जो है सीधा टीका लग जाए। मॉम जो है एक कोशिश और करेंगी, और इस बार जो है टीका अपनी जगह पर लगेगा। छठ पूजा लगभग समाप्त हो गया है, इसके बाद मॉम घर पे जाएंगी, वो भोजन को ग्रहण करेंगी, पारण करेंगी, अपना व्रत तोड़ेंगी, और जो है वो मिराजन में कुछ प्रसाद रख रही हैं। भाई भी घर की ओर प्रस्थान करने को रेडी है पूरा अर्ध का सामान लेके, और छठ पूजा समाप्त होता है इस तरीके से। और इस तरीके से मेरे जाने का वक्त भी नज़दीक आता है, और मैं गोरखपुर से बनारस की ओर प्रस्थान करूँगी। आई तो थी मैं बाई रोड और जा रही हूँ बाई ट्रेन। कोरोना में पहली बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रही हूँ, मैंने सेकेंड एसी में रिजर्वेशन लिया हुआ है। तो बहुत ही दुखी मन से मैं विदा हो रही हूँ, मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। कौन अपने मायके से इतनी जल्दी जाना चाहेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनकी ऑफिस है। तो इस तरीके से मैं ट्रेन में एंटर कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने सेकेंड एसी में रिजर्वेशन कराया है। कोई कर्टेंस नहीं है, कोई बेडशीट, कोई ब्लैंकेट नहीं दिया जा रहा है। ट्रेन भी चल पड़ी है, और चीकू भी रेडी है बाय करने को गोरखपुर को, और ये कुछ ही देर में मुझे बाय करेगा, गोरखपुर को बाय करेगा। और कुछ ही देर में ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ ली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इतने दिनों बाद ट्रेन में बैठ के। ट्रेन में बैठना अपने आप में एक रोचक सफ़र होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप रिलैक्स होकर बैठे रहते हैं और ट्रेन चलती रहती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। और आजकल ट्रेन तो बहुत बिफोर चल रही है, समय से पहले हम बनारस आ पहुँचे हैं। ट्रेन आने वाली थी 3 बजे और 1:15 बजे पे हम बनारस पहुँच चुके थे। आप देख सकते हो कितनी प्यारी आर्टिस्टिक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, और तो इस तरीके से मैं आपको और भी ड्राइंग दिखाऊँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आरती हो रही है घाट्स पे। इस इमेज को देख के आप समझ गए होंगे कि ये हम बनारस आ चुके हैं। और इस तरीके से मेरा ये सफ़र काफ़ी यादगार रहा, काफ़ी मज़ा आया मुझे छठ पूजा में। छठ मियाँ करें कि मुझे हमेशा खुशी दें, सबको खुशी बना के रखें। घर आ चुकी हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।